दोस्तों, सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 3-0 से मसलकर इतिहास लिख दिया, तो खुद महेंद्र सिंह धोनी तक ने अब रिंकू से लेकर सूर्या की तारीफों के जमकर पुल बांधे। यहां तक कि अब रोहित से लेकर कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे सुपरस्टार खिलाड़ियों ने भी बेहद स्पेशल अंदाज में जीत का जश्न मनाते हुए जो बयान जारी किए, उनकी बातें सुनकर तो आपको भी इन युवा सितारों पर प्राउड फील होगा। तो आखिर क्या कुछ रहा है भारत के इन दिग्गज महान खिलाड़ियों का रिएक्शन टीम इंडिया के धमाकेदार जीत के बाद? उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या T20 की तरह वनडे में भी श्रीलंका को 3-0 से धूल चटाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले दो T20 में तो टीम इंडिया का दबदबा था। गौतम गंभीर और सूर्या की पलटन ने खुद को साबित कर दिया था, लेकिन तीसरे T20 में जो सीरीज का सबसे रोमांचक सांस रोक देने वाला मैच था, उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, लंका की टीम बेहद कमजोर है ये तो सबको मालूम था, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं थी कि 12 गेंद में 9 रन भी चेज न कर पाए। लेकिन ऐसा हुआ और भारत के युवा खिलाड़ियों ने यह करिश्मा कर दिखाया। भारत के बल्लेबाज मुश्किल से 137 रन ही इस मुश्किल पिच पर बना पाए थे। सबको लगा कि टीम इंडिया हार गई है, लेकिन असली ट्विस्ट तो बाकी था। इस लक्ष्य को डिफेंड करते हुए भारत के युवा सितारों ने ऐसा तहलका मचाया कि लंका की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी। मैच जब 12 गेंद में 9 रनों तक पहुंचा, तब रिंकू और सूर्या ने अपनी कातिलाना फिरकी से ऐसा समा बांधा कि अंतिम गेंद पर लंका के बल्लेबाज 3 रन नहीं बना पाए और यह मुकाबला सुपर ओवर में चला गया, जहां वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे एक बार फिर लंका के दोनों बल्लेबाज केवल 2 रन बनाकर ढेर हो गए और टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से इस रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर ओवर में बाजी मारकर पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्या ऐसा भी चमत्कार देखने को मिल सकता है। इसके बाद तो पूरे लंका में मातम था, वो भी क्यों ना, हमारे युवा सितारे ने उनकी मुख्य टीम को 3-0 से तहस नहस कर दिया, तो वहीं टीम इंडिया को तो बेहद खुशी महसूस हुई। यहां तक कि अब कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों ने भी बेहद खास अंदाज में भारत की जीत का जश्न मनाया है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो MS धोनी ने बेहद खास मैसेज टीम इंडिया को देते हुए कहा, भारत का न्यू एरा शुरू हुआ है, बहुत बड़ी उम्मीद के साथ 3-0 से श्रीलंका को हराकर कमाली कर दिया, वेल डन टीम इंडिया। सूर्या, रिंकू, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर एक खिलाड़ी अपने आप में कमाल का था, सच में ये मैच देखकर मजा ही आ गया। गौतम गंभीर ने जिस तरीके से इन सब को लीड किया वो काबिले तारीफ था। मुझे लगता है कि अब T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी हमसे ज्यादा दूर नहीं है। तो वहीं दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इससे एक्साइटिंग, इससे मजेदार और इससे बड़ा पलटवार मैंने नहीं देखा। हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन ये जीत, ये मैच उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। सूर्या ने जिस तरीके से गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, 12 बॉल में 9 रन डिफेंड किए, वो काम तो सच में मैं भी नहीं कर सकता हूं। इन युवा खिलाड़ियों को मेडल देना चाहिए, मुझे तो लगता है अभी से इन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया है और मेरी कमी तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं खेलने वाली है। ये देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मुझे प्राउड हो रहा है इन सब पर, वेल डन बॉयज। यहां तक कि दोस्तों, टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए विराट कोहली का कहना है कि ये T20 सीरीज इस बात का जीता जागता सबूत है कि टीम इंडिया से बढ़कर इस समय दुनिया में कोई भी टीम नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत है जो गौतम गंभीर और सूर्या की लीडरशिप में भारत का तिरंगा भी ऊंचा करने वाला है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमारे पास युवा खिलाड़ियों की ऐसी ताकत है जो दुनिया में कहीं नहीं। आप सबको जीत की बहुत बहुत बधाई, मुझे पता है आप सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो वहीं दोस्तों, हार्दिक पांड्या का कहना है कि सच में मजा आ जाए ये मैच देखकर, एक टाइम तो मुझे लगा था कि हम हार गए, जीत का मजा किरकिरा हो जाता यदि ये मैच हार जाते, लेकिन उन्होंने जीत के जश्न में 4 चांद लगा दिए। श्रीलंका जैसी टीम को 3-0 से हराना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये सभी अभी बच्चे हैं, लेकिन सच में उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बड़े बड़े महारथियों को भी मात दे सकते हैं। इस टीम का हिस्सा होकर मुझे खुद पर गर्व हो रहा है, आप सबको जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, देखा आपने ये सभी भारतीय खिलाड़ी कितने खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। तो इन सब बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया आ गया T20 के बाद वनडे में भी इसी तरीके से लंका को धूल चटा पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।